चीज का ध्यान जरूर रखना, ये आपका मंदिर है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये आपका मंदिर है, यहां पे डिसिप्लिन को कभी तोड़ने की कोशिश मत करना, ये ध्यान रखना, ये आपका मंदिर है, ये आपका आदर्श है, इसके अंदर एक रहना है। और जो सबसे कमी आज मैं पूरे भारत के अंदर देखता हूं, जहां देश की बात करते हैं हम सबके विचार अलग अलग हो जाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी, शहीद आजम उद्धम सिंह जी एक बात कहा करते थे, बड़े दुख से, बड़ी पीड़ा से रो करके कहा करते थे कि देश की जब बात करते हैं हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं, हम एक नहीं हो पाते, और हर मुद्दे पे अलग अलग हो जाना। जब भारत माता की आजादी की रक्षा का मुद्दा आ जाए, अपने अपने भेदभाव, अपने अलग अलग विचारों को छोड़ करके उन विचारों के नीचे खड़े हो जाना जो कभी पहले नारा दिया करते थे हमारे बुजुर्ग, हम सब एक हैं, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस देश की तरफ कोई देख नहीं सकता। हमारा देश छत्रपति महाराज का देश, हमारा देश गुरु गोविंद सिंह का देश, हमारा देश महाराणा प्रताप का देश, हमारा देश खून से लथपथ अपनी कुर्बानियों से बना हुआ देश, इस देश की आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज राजनीति से लोग नफरत करने लग गए, अन्ना जी अभी गए, आंदोलनकारी थे जब ये आजादी की लड़ाई लड़ते थे, तो अपने घर में अपने बुजुर्गों को ये कह के जरूर निकलते होंगे, मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे, ये उस वक्त इन देशभक्तों के नारे थे। आज के राजनीतिक लोग क्या कहते हैं, मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, इस भारत माता को आतंकवाद और करप्शन का गुलाम बनाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस जिम्मेदारी को आपने निभाना है। मेरा जो कर्तव्य है, इस बम्बों से बोनस की जिंदगी का आधा शरीर तो चला गया, आधा फिर भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, अपनी बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए बार बार सीने पे बम खा के देंगे। पर आप इन सबको देखते हुए उधर से लेके इधर तक उनके काम, उनकी सोच, उनकी मेहनत को देखते हुए शिक्षा लेके जरूर जाना कि ये वो शख्सियतें हैं, ये कहीं आपको मिलेगी नहीं। डॉक्टर संजय जी, बहुत जगह पे जाने का मौका मिलता है, पर ऐसी शख्सियतों को एक मंच पे इकट्ठा करना, मंत्री तो बहुत बुला लिए जाते हैं, सेंटर के मंत्री भी बुला सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आ सकते हैं, और ऐसे कार्यक्रम में तो हर पॉलिटिशियन आने को तैयार होता है, पर ऐसे महापुरुष, ऐसे देशभक्त, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनसे कुछ ना कुछ सीख के जाना, तभी भारत माता की आजादी की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, फिर अगली बार आऊंगा और फिर वही वादा करके जाता हूं जो मेरा मिशन है आपके लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय। आज हम भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शपथ लेते हैं कि भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे वंदे, जय हिंद। धन्यवाद। आप मनिंदर जीत सिंह बिट्टा साहब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और आप लोगों को मालूम है
कि उन्हें विदाई किस तरह दी जाएगी। जैसे जैसे वे आपके निकट से गुजरें, कृपया खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए उन्हें विदाई दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा साहब का मैं बहुत आभारी हूँ कि वे आज दूसरी बार इस प्रांगण में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी विभूतियां हम लोगों के बीच आना ये हमारा सौभाग्य है।